आज मैं आप सभी को जीवन के कुछ ऐसे कड़वे सच बताने वाला हूँ जो पता तो सबको है लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये सुनने में बहुत ही कड़वे लगेंगे लेकिन आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमेशा बारात में दूल्हा पीछे और पूरी बारात आगे चलती है, और जब किसी का जनाजा निकलता है तो अर्थ ही आगे और सारे लोग पीछे चलते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जब आप सुखी होते हैं तो सारे लोग आपके आगे आगे चलते हैं, लेकिन जब आप पर दुख आता है तो सारे लोग आपके पीछे हो जाते हैं। जितनी खोज हम सभी मोबाइल ढूंढने के लिए करते हैं, उतनी खोज यदि हमने नेता ढूंढने के लिए की होती तो आज हमारा देश कहीं और होता। गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब है क्योंकि वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अपना सारा पैसा खर्च कर देता है, लेकिन अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर है क्योंकि वो अपने आप को अमीर बनाने में अपना सारा पैसा खर्च करता है। बिल गेट्स कभी नहीं कहते कि वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि वो है और ये बात लोग जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए अपनी चीजें ही आपको गिनवाते रहते हैं। याद रखना कि जब तक आप काम के हैं तब तक ही लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जल जाने के बाद माचिस की तीली को फेंक दिया जाता है। चाहे कोई इंसान आपके कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे आपकी कामयाबी सिर्फ तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप उससे आगे न निकल जाए। गोरा होने की क्रीम लगाने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज तक गोरा नहीं हुआ, ये बात सारी दुनिया जानती है, लेकिन उसके बाद भी हम झूठी उम्मीद में उस क्रीम को लगाते हैं और कुछ झूठे लोगों को अमीर बनाते हैं। ब्लड बैंक में कोई नहीं पूछता कि ये खून हिंदू का है, मुसलमान का है, ईसाई का है या फिर सिख का है। लगता है कि सारी की सारी इंसानियत वहीं पर नजर आती है। कोई भी लड़की एक स्ट्रगल करने वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वही लड़का जब स्ट्रगल करके आगे बढ़ जाता है, कोई मुकाम हासिल कर लेता है, तो फिर वो उसके पास जाने की कोशिश करती है। जब तक कोई बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उसे अपने पिता के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय गलत लगता है। दुनिया की सबसे सस्ती मजदूर पत्नी होती है, क्योंकि जिंदगी भर उसे इस भ्रम में रखा जाता है कि वो ही इस घर की मालकिन है। हमारी आंखें पूरी दुनिया देख सकती है, लेकिन जब उसी आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसे नजर नहीं आता। वैसे ही इंसान को पूरी दुनिया में गलतियां नजर आती है, लेकिन खुद के अंदर क्या गलतियां हैं उसे कभी नजर नहीं आती। गलतियां उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही निकल जाती है। कुछ बड़े लोग कहते हैं कि जिंदगी में इतना पैसा कमा कर कहां ले जाओगे, सब कुछ यही तो छोड़कर जाना है। और यही कहने वाले लोग अपने सत्संग में, प्रवचन में आप सभी से लाखों रुपए लेकर जाते हैं। जब इंसान कोई अच्छा काम करता है तो ये सारी की सारी दुनिया खामोश रहती है, लेकिन जब उससे एक भी गलती हो जाती है तो फिर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता, जिस कॉपी पर सारे विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है, आखिर में वही रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में भी जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। जिंदगी में जो भी करना अपने दम पर करना, क्योंकि तोता दूसरों की बोली बोलने की कोशिश करता है इसलिए वो पिंजरे में रह जाता है, और बाज अपनी खुद की उड़ान उड़ता है इसलिए आसमान को छूने की ताकत रखता है। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं है, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो इन्हें कभी पढ़ते नहीं है। पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देता है। इस वाणी में भी अजीब ही शक्ति है। कड़वा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि और कितना समय लगेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में बोले जाते हैं, जहां लोगों के हाथों में शराब के प्याले होते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ अदालत में बोले जाते हैं, जहां लोगों के हाथों में गीता और कुरान होती है। कड़वे हैं लेकिन सच है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना, और कौन सा आपका सबसे पसंदीदा कड़वा सच था उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा ले। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।